बर्बाद कर दिया। अब यही समस्या है हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा। तो इसका मुंह तोड़ के इसका एटीएम क्यों नहीं बना लेते तुम? विड्रॉ में क्या निकलेगा? पास निकलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। समस्या हमारा है कि इसके जो भैया हैं वो क्रिकेट मैच के हैं बहुत शौकीन, हमको रोमांस तो बिल्कुल करता ही नहीं है, हमको प्यार नहीं करता बिल्कुल भी। घर पे आता है इसका भैया क्रिकेट का शौकीन है, बैठ कर मैच देखने लग जाता है, और टेस्ट मैच तो 5 दिन तक चलता है। भगवान पता नहीं हमारा कौन सा टेस्ट ले रहा है, हमारा जिंदगी का समस्या समाधान कर। हाँ तो ऐसी नो बॉल जैसी बीवी मिलेगी तो मैच ही देखेगा आदमी। विकेट जैसा मुंह है देखो। पर बात को ये आप मेरा ये पूरा स्टेडियम हमको शीशा दिखा रहा है, बताओ। विकेट को शीशा दिखा रहा। अभी क्या है, हमारी जिंदगी में रोमांस बिल्कुल नहीं है, तो अगर गाना गाना ही है तो को रोमांटिक गा दीजिए, थोड़ा तो रोमांस आए। भाई आप जब बचपन में भी लोगों की खिड़की तोड़ी है अपने मोहल्ले में खेल के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता था, 52 या 55 लोगों का परिवार था। मेरे फादर के 5 बड़े भाई थे, उनके 4-4, उस जमाने में एंटरटेनमेंट नहीं होता तो 4-4, 5-5 बच्चे सबके थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने उसी जमीन पे 300 स्कोर बनाए थे। एक बार फिर से तालियां बनती हैं। उसी साल आपकी शादी भी हुई थी ना? जी जी जी, उस टूर के बाद। घर वालों ने कह दिया होगा कि बहुत एनर्जी आ गई, लड़के की शादी कर दो। 300 स्कोर। सिद्धू पाजी खेलते थे तो मैदान में 5-6 कैमरास होते थे। आजकल तो हर जगह कैमरा, विकेट के अंदर भी लगाया हुआ है। अंपायर की जेब में भी होता होगा, पता नहीं, मतलब काफी जगह कैमरे। टोपी भी। हाँ टोपी पे भी कैमरा लगा रहता है। तो पाजी कभी कभी मतलब जैसे, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक पिच पे डटे हुए हो, गर्मी सर्दी कोई भी माहौल आप खेल रहे हो, पसीना वसीना आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, कभी खुजली होती बड़ी ऐसे ऐसे वाली, सब तरफ कैमरा, कैसे आप धोखा दे के दुनिया को चुपके से खुजली कैसे करते हैं? मतलब देखिए, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बड़ा आसान है, आपने थाई पैड पहना है, आपने एब्डोमिनल गार्ड पहना है, आपने एल्बो गार्ड पहना है, आपके हाथ में बैट है, तो कई बार हम लोग क्या करते थे, बैट लेके ऐसे खड़े हो जाते थे। अच्छा। और हिलते रहो। और फिर कुछ ज्यादा हो तो आंखें बंद करके अंपायर के पास चले जाओ, उसको ऐसे बोलो कि मेरी आंख में कुछ घुस गया, उसको बोलो बट आंख में नहीं घुसा, कहीं और है, तुम आंख में नहीं करो। वीरू पाजी ने अच्छी सलाह दी कि आप अंपायर के पास चले गए, सपोज आपकी खुजली कहीं और हो रही है, उसको आंख दिखाने लगो, आप कमेंटेटर भी पकड़ लेते हैं, वीरेंद्र सहवाग की आंख में शायद कुछ चला गया है, तो सारा फोकस इधर हो गया, कैमरा ने क्लोज लिया, आप रगड़ लो। तो पाजी ने बैट्समैन के बारे में तो बता दिया, पाजी बॉलर को खुजली हो रही तो वो क्या करे फिर? देखिए हम लोग बॉल शाइन करते हैं जी, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो जहां, अच्छा ये तो ये और अच्छी टेक्निक है, जहां पे खुजली हो रही वहां पे घिस लो। कहां घिसेगा? सपोज अगर किसी के यहां पे हो तो यहां पे घिसने लगेगी, ये कहां पे घिस रहा है? बैट्समैन है, पर यार खुजली वाली बॉल, पर यार ये टेक्निक कमाल की बाजी। और फिर कुछ ज्यादा हो तो आंखें बंद करके अंपायर के पास चले जाओ, उसको ऐसे बोलो कि मेरी आंख में कुछ घुस गया, उसको बोलो बट आंख में नहीं घुसा, कहीं और है, तुम आंख में नहीं करो। पाजी आप खेल के तो शौकीन नहीं, बचपन में फिल्में वगैरह भी देखते थे आपके? नहीं बहुत। कौन था आपका फेवरेट हीरो हीरोइन? अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब क्या बात है वो। और हीरोइन? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। आज माधुरी को कुछ कहना हो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे शो के माध्यम से कुछ? कि मुझे मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। पर अभी फायदा भी नहीं, शादी हो गई उनकी। मैं नेहरा को नजफगढ़ से दिल्ली के एंड पहले उसके घर जाता था। अच्छा। उसको उठाता था और उसका जो नाश्ता होता था दूध का गिलास और वो ब्रेड, वो मैं पीता था, मैं खाता था, और जब तक तो वो तैयार होता था तो वो नाश्ता होता नहीं था, तो उसके फादर उसका नाश्ता तैयार करते थे, वो देखते थे कि नाश्ता गया कहाँ, मैं चुपचाप बैठ के अखबार खुल के बैठा होता था। मैंने कहा आप नाश्ता लाए नहीं, तभी आशीष कमजोर रह गए, आप सारा नाश्ता तो आप खा गए।
सचिन पाजी बड़े हम्बल हैं, आपके साथ हर तरह के चुटकुले करेंगे, वो आप पे मजाक करेंगे, आप उन पे मजाक करोगे, बट हम लोग एक लिमिट तक ही उनके साथ मजाक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत मजाक करते थे कि मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत बोलता था, तो जब भी जहाँ भी उन्हें कहीं केला दिखता था लेके मुझे दे देते, तो मैं पूछता था मुझे केला क्यों दे रहे हैं, तो जैसे मैं खाता था कह रहा थोड़ी देर तो तू चुप रहेगा जब तक केला खाएगा। कौन सी टीम सबसे ज्यादा कूल है कि अपने काम से काम, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, कौन सी टीम है? श्रीलंका। श्रीलंका टीम आधे से ज्यादा को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं भी जाते हैं चुपचाप अपने काम से काम रखते चले जाते। भाई कौन सी टीम सबसे ज्यादा गंदी रहती है, नहाना धोना का ज्यादा परवाह नहीं रहती जिनको? इंग्लैंड। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? वहाँ ठंडी इतनी पड़ती है और ऊपर से उनका पता भी नहीं चलता ना नहाए हुए कि नहीं। सुल्तान का मुल्तान नहीं नहीं, सुल्तान का सलमा नहीं नहीं, ट्विटर का सुल्तान। और आप जरा इनसे भी मिल लीजिए, यह है ट्विटर का भुगतान। आप एक काम कीजिए, आप जरा शादी कीजिए। क्यों? हम आपका घोड़ी को ना जमाल घोटा खिला देंगे। उसके बाद शादी का सहनाई आपको सुनाई दे ना दे, लेकिन घोड़ी का सहनाई जरूर सुनाई दे। मेरी समस्या सुनते वक्त, दरअसल क्या है ना, मैं दुनिया में बहुत अकेली हूँ, कब से कप्पू का नाना ढूंढ रही हूँ, जिसको भी पूछती हूँ वो ना ना बोल के चला जाता है। नानी इधर बैठो, इस उम्र में अभी तुम्हें नाना की नहीं, तुम्हें नहाने की जरूरत है, कितनी बास मारती है तुम, शर्म नहीं आती? किस लिए आए तुम लोग यहाँ पे? अरे हमारा परेशानी है, क्या बताएं आपको? मेरी भी परेशानी है ना, तू मुझे बोलने दे ना। मेरी परेशानी भी देखो, एक बार आपको देखो, एक बार इन्हें देखो, एक बार आपको, क्या टेनिस का मैच चल रहा है क्या? टक टक टक, एक ही साइड पे क्यों नहीं बैठ जाती दोनों? देखिए इधर उधर परेशानी 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 कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग जी, हम आपको बताते हैं हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी क्या है। क्या है? ये मनुष्य है ना, ये मनुष्य अकेला हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी है। क्या परेशानी तुम्हारी? अरे दो शब्द बोलने नहीं देता, बीच में इतना टोकता है, इस मनुष्य से बचाइए। दो शब्द नहीं बोलने देता, बीच में दो शब्द बोलने को दिए जेल हो गई थी। अरे इतना परेशान किया है कि हमारे जीवन में ना अच्छा बात सुने हुए जमाना हो गया। तू कुछ अच्छा सुनना चाहती है? हाँ। Shut up! आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं, वीरेंद्र सहवाग के मुंह से सुनना चाहते हैं। अरे हाँ सहवाग, सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। जी गाते हो ना? कभी कभी। वीरू पाजी ये ऐसे जाएंगे नहीं, ये एक्चुअली आपका गाना सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको, तो एक बार वीरू पाजी की आवाज में गाना हो जाए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स